फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए के फिटनेस। गाइस, आज मैं आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वी कैन से कैन वी इम्प्रूव आर मसल्स विदाउट प्रोटीन सप्लीमेंट और नॉट। सो गाइस, स्ट्रेट फॉरवर्डली आई वुड से यस, यू कैन डू, बट यहाँ पर हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करना है या नहीं करना है। तो उनमें से तीन फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका फिटनेस गोल क्या है, ठीक है। सेकंड इज़ आपकी क्या कैटेगरी है, लाइक यू आर वीगन, यू आर वेजिटेरियन और यू आर नॉन वेजिटेरियन। एंड थर्ड फैक्टर इज़ यू आर बजट, कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास बजट है या नहीं है। सो अगर मैं सबसे पहले फैक्टर की बात करता हूँ, दैट इज़ व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट, व्हाट योर फिटनेस गोल। सो वहाँ पर हमें ये डिफाइन करना हमारा फिटनेस गोल क्या है। सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ कि आपका गोल फैट लॉस का है, आपको फैट लॉस करनी है, ठीक है, तो आपको अगर 2000 कैलोरीज के हिसाब से आपको 125 ग्राम्स प्रोटीन आपको डेली का इंटेक करना है, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका फिटनेस गोल क्या है। आपको पता है कि मुझे 125 ग्राम प्रोटीन डेली का इंटेक करना है। अब 125 ग्राम प्रोटीन को इंटेक करने के लिए मुझे ये देखना है, देन आई गो टू नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज़ योर कैटेगरी। अब मुझे ये देखना है कि मेरी कैटेगरी क्या है, आई एम नॉन वेजिटेरियन, आई एम वेजिटेरियन एंड आई एम वीगन। तो इन तीनों में से मैं क्या हूँ। सपोज मैं नॉन वेज कंज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑफ प्रोटीन, आई हैव एग्स, आई हैव चिकन, आई हैव फिश, आई हैव नट्स, आई हैव मिल्क प्रोडक्ट्स, आई हैव पल्सेस, आई हैव लेंटिल्स, आई हैव लेग्यूम्स। तो मेरे पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं प्रोटीन के, तो मैं नेचुरली इजीली अचीव कर सकता हूँ। अगर मुझे 125 से 150 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है मुझे डेली का, तो मैं इजीली अचीव कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सप्लीमेंट की मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग 16-17 साल के हैं, जो फर्स्ट टाइम जिम में जाते हैं और उनके माइंड में ये थॉट रहता है कि हाँ, सबसे पहले यही पूछते हो कि मुझे कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करना है, मुझे मसल को ग्रो करना है, मुझे मसल को इम्प्रूव करना है और मुझे कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करना है। गाइज, आई रिक्वेस्ट यू, ये थॉट अपने माइंड से निकाल दो कि सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट से आपकी बॉडी नहीं बनेगी। जब तक आप नेचुरली डाइट को मेंटेन नहीं करोगे, जब तक आप एटलीस्ट 80% डाइट आपकी नेचुरल नहीं होगी, यू कैन नॉट, आप अपने मसल को इम्प्रूव नहीं कर सकते। और मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रंस को टीच करें कि हाउ टू मैनेज योर प्रोटीन इंटेक, हाउ टू मैनेज योर मैक्रोस नेचुरली। तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि अगर उनको उनकी नॉलेज में है कि अगर उनके बच्चे उनके जिम में जा रहे हैं तो उनको खुद से नेचुरली मैनेज करना आना चाहिए, एंड दे शुड नो हाउ टू रीड फूड लेबल्स, ठीक है। अगर आप किसी फूड लेबल को पढ़ रहे हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है, कितना फैट है, ठीक है। सो दैट्स फॉर योर गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है तो आप कितने भी सप्लीमेंट्स ले लो वो काम नहीं करेगा, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज़ योर, एज आई टोल्ड यू अबाउट कैटेगरीज, वीगन, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो मैंने बोला कि नॉन वेजिटेरियन में आप कोई भी सोर्स आप ले सकते हो, आपके लिए पिक करना बहुत ईजीली होता है, ईजी होता है। तो वहाँ पर एक और फैक्टर है कि आपकी जो प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, आई मीन जो उसकी अमाइनो प्रोफाइल है, दैट्स वेरी गुड। सो इट्स गुड फॉर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस, जो लोग नॉन वेज कंज्यूम कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट फैक्टर इज़ वेजिटेरियन। सो गाइस, वेजिटेरियन में जो लोग वेजिटेरियन हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। इसके अलावा दे कैन हैव नट्स, पीनट्स, ऑलमंड्स, वॉलनट्स, दाल, पल्सेस, लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन हैव सोया ऑल्सो, ठीक है। सो उनके लिए भी इतना मुश्किल नहीं है। आई वुड से कि 125 ग्राम अचीव करना या 150 ग्राम अचीव करना नेचुरली, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट टास्क। फिर भी अगर उनका अगर 80% अगर उन्होंने नेचुरली अचीव कर लिया, अगर आप उनका अगर अप टू 20% मीट नहीं कर रहा, या उनको चाहिए कि अगर उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो 20% अगर उनका मीट नहीं कर रहा, तो वो एक स्कूप प्रोटीन सप्लीमेंट से ले सकते हैं। बट वहाँ पर हमें ये डिफाइन करना होगा कि हम टोटली उसके ऊपर रिलाई मत करें। हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर मुझे, अगर मैं 80% नेचुरली अचीव कर रहा हूँ, अगर मुझे अप टू 20% मुझे लेना है प्रोटीन सप्लीमेंट से, देन इट्स फाइन।
गाइज आई एम अगेन सेइंग मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्रोटीन सप्लीमेंट। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करो, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि एज पर योर गोल, अगर आपको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है या आपको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है और आपका अगर मोर देन या अप टू 80% आपने नेचुरल अचीव कर लिया है, तब आप एक स्कूप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं किसी बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, जो लोग ये सोच रहे हो कि हाँ बॉडी बिल्डिंग में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, गाइज उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, वो लोग 4-5 स्कूप डेली के लेते हैं, तो इट्स नॉट आई मीन जो कॉमन पीपल है उसके हिसाब से ये जस्टिफाइड नहीं है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल फिटनेस की या फिर फैट लॉस की बात कर रहा हूँ। सो बॉडी बिल्डिंग इज़ डिफरेंट जोन। और तीसरा फैक्टर है वीगन फैक्टर। अब जो लोग वीगन हैं, गाइज यू नो आजकल के टाइम में वीगन डाइट काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो जो लोग वीगन हैं उनके पास प्रोटीन सोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं और बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। मार्केट में बहुत कम सोर्सेज हैं जो वीगन प्रोटीन अवेलेबल हैं। हाँ आजकल के टाइम में वीगन सप्लीमेंट भी है प्रोटीन का जो कि मार्केट में अवेलेबल है, बट यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम नेचुरली अगर हम अचीव कर सकते हैं वीगन डाइट से तो देर इज़ नो नीड फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट। बट यहाँ पर देखना है हमें, क्योंकि हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर सकते और नॉनवेज सोर्स हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते वीगन डाइट में, तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ पल्सिस, लेग्यूम्स, लेंटिल्स एंड नट्स लाइक सो पीनट्स, ऑलमंड्स, वॉलनट्स एंड सोया प्रोडक्ट्स। सो ये ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं। अब इनमें से हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं और उसमें से हमें प्रिसाइजली पिक करना है। अगर हम उतना प्रोटीन मेंटेन कर पा रहे हैं 125 ग्राम तक या 150 ग्राम तक, या अगर आपकी 100 की रिक्वायरमेंट है तो अगर आप 100 अचीव कर पा रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगेन सेइंग, अगर आपका 80% अप टू 80% या 80 से अबव तक आपका अगर नेचुरली अचीव हो गया है, अगर आपका अप टू 20% आपका बच रहा है, आपको रिक्वायर्ड है, तो आप वीगन प्रोटीन ले सकते हो, देयर इज़ नो हार्म। बट यहाँ पर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट इज़ जेन्युइन, जो आपका सप्लीमेंट है प्रोटीन सप्लीमेंट है वो जेन्युइन है और वो ऑथेंटिकेट है। देखो अगर आपकी सप्लीमेंट में कोई मिलावट है, एडल्ट्रेशन है, तो आई कांट से उसका साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट का साइड इफेक्ट है या नहीं। तो गाइज मैं उन सबके लिए ये बोलना चाहता हूँ कि प्रोटीन का अगर प्रोटीन आपका जेन्युइन है, ऑथेंटिकेटेड है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है, डुप्लीकेट है, तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, आई कांट से, राइट। एंड थर्ड फैक्टर इज योर बजट। ऑब्वियसली इट्स वेरी प्रैक्टिकल फैक्टर। हर इंसान 3-4 हज़ार रुपये महीने के नहीं खर्च कर सकता। सो डेफिनेटली अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो फिर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सो मैं उन लोगों के लिए बोलूँगा जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि ट्राई टू मैनेज योर सेल्फ नेचुरली, जितना मैक्सिमम मैनेज कर सकते हो दैट्स वेरी गुड फॉर यू, और आपका लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होगा उससे अगर आप नेचुरली रिलाई करोगे। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो कंक्लूजन आपका ये है कि सबसे पहले ट्राई टू मैनेज योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट नेचुरली। अगर आपका स्ट्रेच करने के बाद भी अगर मैनेज नहीं हो पा रहा, बट वहाँ पर हमें ये कंडीशन रखनी है कि एटलीस्ट आपको 80% प्रोटीन सप्लीमेंट आपको नेचुरली कंज्यूम करना है। अप टू 20% अगर आपका नहीं होता देन यू कैन यूज़ अप टू 1 स्कूप, राइट। बट अगर आपकी ये सोच है कि हाँ मैं बाकी सोर्सेज नेचुरली नहीं यूज़ कर रहा, बट मैं 3-3, 4-4 स्कूप प्रोटीन को मैं अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स टोटली रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। आप 80% प्रोटीन सप्लीमेंट से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर सकते, इट्स ओनली अप टू मैक्सिमम 20%, राइट। सो गाइज आई होप यू लाइक माई वीडियो, यू लाइक माई कॉन्सेप्ट। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।